नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर पर फीवर कैसे चेक करें, यानी कि अगर आपको लगता है हमें फीवर है, बुखार है, तो घर पर आप कैसे चेक कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक होता है थर्मामीटर जो कि पारे वाला होता है, और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है उसे यूज करना बहुत आसान होता है, और आप घर पर बहुत जल्दी ही विदाउट समय गवाए हुए आप आसानी से इस थर्मामीटर से घर पर चेक कर सकते हैं। ये थर्मामीटर करीबन 50-60 रुपए का आ जाता है, और आप जैसी क्वालिटी का लेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे, या जो गन थर्मामीटर आता है उसे भी आप ले सकते हैं, दोनों ही डिजिटल है। और जो पारे वाला आता है, मरकरी वाला आता है, वो थोड़ा सा सेफ नहीं होता है, वो आपको एक्सपर्ट के पास ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि वो गिर जाता है या बच्चों को लगाते समय बच्चे चबा लेते हैं तो पारा मुंह में चला जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए डिजिटल सेफ है, ये वाला ज़्यादातर सेफ होता है, और स्पेशली गन थर्मामीटर आ रहा है अभी, वो और ज़्यादा सेफ है क्योंकि उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, अच्छी रीडिंग देता है, और ये कभी कभार गलत बता देते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम, सबसे पहले ये समझेंगे फीवर कितना मानते हैं। मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में 98.6 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा होता है तो फीवराइल की कंडीशन में रखते हैं, और अगर इवनिंग में ये टेम्परेचर 99.6 से ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत फीवर, ऐसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है, ऐसे बोलते हैं। जब फीवर या जो टेम्परेचर हमारा होता है 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तब इसे हम फीवर की कंडीशन में रखते हैं, और जब पेशेंट को फीवर टेम्परेचर जो है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, इतना हो जाता है, तो हम उसे हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। तो ये होता है फीवर की कंडीशन में। अब हाइपोथर्मिया कैसे कहते हैं, अगर किसी का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो इससे कम है, तो इसे हम हाइपोथर्मिया की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि कहां कहां से हम चेक कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं, तीन जगह से हम मोस्ट कॉमनली हम टेम्परेचर चेक करते हैं, जिसमें से एक ऐसा है जिसे हम बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली हम उसे कभी यूज ही नहीं करते। सबसे पहला होता है ओरल, जिसे हम मुंह के द्वारा, मुंह में लगा के, जीभ के अंदर, जीभ के नीचे की साइड में लगा के एक साइड में टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। दूसरा एक्जिला, जो हम यहाँ पर आप कांख बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में हम कहें तो उसे बोलते हैं कांख में लगा लेना है, तो आप इसे एक्जिला बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, एक्जिला में लगा के आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरा आप रेक्टल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, रेक्टल के थ्रू आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो तीन वेज होते हैं टेम्परेचर चेक करने के, मोस्टली मोस्ट कॉमन होता है। और जो गन थर्मामीटर आ रहा है उससे हम गर्दन का टेम्परेचर भी ले लेते हैं स्किन से, और हेड का टेम्परेचर स्किन से भी ले लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे पसीना आ रहा है किसी को या लार ज़्यादा बन रहा है तो टेम्परेचर गलत आ सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि इस थर्मामीटर में जैसे आप कैसे चालू करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा बैटरी लगा होता है, छोटा वाला शेल आता है, और इसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, राइट। आप देख पा रहे होंगे ये ऑन हो गया है, इसकी रीडिंग बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब आप इसे यहाँ पर लगाएंगे या माउथ के अंदर लगाएंगे तो सेफ होता है, क्योंकि जब बच्चों, इसे हम बच्चों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब बच्चों के दांत निकल आते हैं तो जो पारे वाला, मरकरी वाला होता है उसे बच्चा आसानी से तोड़ देता है। जब ये मीटर, जब ये थर्मामीटर आपको रीडिंग बता देगा, करेक्ट रीडिंग पे पहुंच जाएगा, कम से कम 40 से एक मिनट, एक सेकंड के, 60 सेकंड के लिए एक मिनट अप्रॉक्स लेता है, तो एक मिनट के अंदर अंदर आपको ये बता देता है वीपिंग करके, यानी कि बीप करता है, बजने लगता है, इसमें से आवाज़ आने लगती है, ठीक है। तो इसमें से जब आवाज़ आने लगे तो आप इसे आसानी से निकाल लीजिएगा और अपनी रीडिंग को चेक कीजिएगा, जितनी रीडिंग आ रही है आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो फीवर की सारे कन्फ्यूजन्स मुझे लगता है आपने इस वीडियो में समझ लिए होंगे। छोटा सा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है डॉक्टर लोकेंद्र ब्रॉक के नाम से। आप वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको वीडियो की लिंक, आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड की हुई है। देखिए ये बीप करने लगा, ये अप्रॉक्स एक मिनट के अंदर अंदर ये बीप करने लगता है, राइट। तो आप इस तरह से थर्मामीटर को यूज करके अपने टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बच्चों को अगर फीवर 103 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा सा जल्दी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, स्पेशली पीडियाट्रिक डॉक्टर से आपको मिल लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था नए चैनल के बारे में। डॉक्टर ब्लॉग पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल मैं वहाँ पर नई नई वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलेंगी। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं एक भी बार विजिट किए हुए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर जाएँ वहाँ पर। और वीडियो की उस चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन करूँगा, आप वहाँ से भी उस चैनल पर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।